नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन लगने के जातक की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगर मीन लग के हम जातक हैं, जातिक आए हैं, तो हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह योग भाव देखना चाहिए जिससे कि हम देख के पता लगा सके कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगा या नहीं, हम उच्च अधिकारी बनेंगे या नहीं, या हम प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें उच्च अधिकारी बन सकते हैं, ऐसे योग हमें कुंडली में देखना चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि हम ये 12 नंबर की मीन लग्ने कुंडली है। ये केंद्र भाव विशेषकर महत्वपूर्ण भाव है, पहला, चौथा, सातवां, दसवां भाव। इसी तरह से त्रिकोण भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, पांचवा और नौवां भाव। इसलिए ये केंद्र भाव हो गए और ये त्रिकोण भाव हो गए। तो इस तरह से आप कुंडली में अपना देख सकते हैं कि जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मंगल जो है वो शासन करता है, तो मंगल ग्रह को देखेंगे। दसम भाव से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि हमें नौकरी किस तरह की रहेगी, तो ये दसम भाव है। दसम भाव का स्वामी को देखेंगे, लग्न भाव के स्वामी को देखेंगे। फिर जो कारक ग्रह हैं, सूर्य गवर्नमेंट जॉब दिलाता है इसलिए सूर्य को देखेंगे। चंद्रमा भी और बृहस्पति हमको उच्च पद की प्राप्ति करवाते हैं, वो देखेंगे कुंडली में। छठा भाव देखेंगे जो हमें कंपटीशन के लिए देखा जाता है। इसके पश्चात हम शनि देखेंगे जो नौकरी का कारक है। तो इस तरह ये सब ग्रहों की स्थिति कुंडली में देख के, अगर उनके दृष्टि संबंध हो, उनके सौ राशि में बैठे हों, अपने उच्च राशि में बैठे हों, तथा साथ साथ में युतियाँ युति संबंध कर रहे हों, दृष्टि संबंध कर रहे हों, तो यह जरूरी है ये सब ग्रहों को देखने का, लग्न का, लग्न के स्वामी को, दशम भाव, दशम भाव के स्वामी को, बाकी जो ग्रह कारक ग्रह हैं दशम भाव के उनको देखने का है। दशम भाव के जो कारक ग्रह में सूर्य, बुध, गुरु, शनि आते हैं, उनकी स्थिति देखना चाहिए। तो इस तरह सब कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इन सबको देखते हैं। तो हम उदाहरण के लिए ये 12 नंबर की मिथुन मीन लगने की कुंडली यहाँ पे रखी हुई है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने अभी बातचीत की उसको इसमें किस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, सर्वप्रथम की दशम भाव को देखते हैं। हमने दशम भाव में जो है ये 9 नंबर की धनु राशि बैठी है, तो इसका स्वामी बृहस्पति बनता है। तो ये बृहस्पति की स्थिति अशोघरी हो गई, वो बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ सौगरी है। तो अगर कुंडली में गुरु की स्थिति आपके इसमें भी सौगरी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी बृहस्पति बैठ जाता है तो ये भी सौगरी हो जाएगा, ये भी अच्छा स्थिति है। 3 नंबर केंद्र में भी इसकी स्थिति गुरु अच्छी स्थिति बनेगा, यहाँ से गुरु 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। इसके बाद में त्रिकोण में 4 नंबर के राशि में बैठेगा गुरु, तो अच्छी पोजीशन है क्योंकि गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके पश्चात वो 6 नंबर की राशि में अगर वो बैठता है तो यहाँ पे गुरु की स्थिति अच्छी है। गुरु 8 नंबर की राशि में बैठता है, वो भी भाग्य भाव है, तो यहाँ भी इसकी फ्रेंड के घर में, मित्र के घर में वृश्चिक राशि में बैठ रहा है, तो अच्छी स्थिति। तो अभी हमने अपने गुरु की स्थिति दिखाई, अगर आपकी कुंडली में भी जिस तरह से हमने अभी बताया इस तरह के गुरु की स्थिति है, तो ये मान के चले कि दशम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है। दशम भाव में बैठे हुए ग्रह भी दशम भाव को बलवान बना रहे हैं। तो हमने इस तरह से दशम भाव को देख लिया। आप देखेंगे लग्न भाव को देखेंगे, तो लग्न भाव में भी गुरु के मीन लग्न है इसलिए गुरु इसका स्वामी हुआ, तो उसकी स्थिति जिस तरह से अभी हमने देखी नवम दशम भाव के, वैसी गुरु की स्थिति यहाँ बैठे हुए सौगरी हो जाता है, यहाँ उच्च का हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति जैसे अभी विवरण किया वैसी है, तो आपके लिए लग्न और दशम भाव दोनों बलवान हो गए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि
सूर्य चंद्र जो है उनकी स्थिति देखें, सूर्य जो है सत्ता का कारक है, तो सूर्य की स्थिति आपका यहाँ पे नवम दशम भाव में दिख रही है तो अच्छी है। और बुद्ध सूर्य बुद्ध का बुद्ध अति योग बना हुआ है, बुद्ध का भी अच्छा हो गया है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो त्रिकोण का मालिक होके यहाँ बैठ गया, तो सूर्य चंद्र बृहस्पति और बुद्ध का जो युति बनी है, वो बृहस्पति और चंद्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। बुद्ध और सूर्य की भी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपके ये चंद्र बुद्ध की चंद्र और बृहस्पति की स्थिति यहाँ भी बने तो भी अच्छा है। यहाँ भी सब मतलब केंद्र बने, त्रिकोण में बनती है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बुद्ध सूर्य की युति भी बनती है तो बहुत अच्छा है। बुद्ध शुक्र की, बुद्ध और सूर्य की युति, ये अगर यहाँ बुद्ध यहाँ सौगरी हो जाता है, यहाँ सौगरी हो जाता है तो बुद्ध और सूर्य यहाँ बैठेंगे तो वो भी अच्छा फल देंगे। बुद्ध और सूर्य यहाँ भी बैठेंगे तो वो भी अच्छा फल देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये स्थिति देखी। आप भी अपने कुंडली में देखिए किस तरह की स्थिति बन रही है, तो बहुत अच्छा है। सूर्य की स्थिति अगर इंडिविजुअल भी है तो अगर वो आपके सूर्य यहाँ बैठेगा तो सातवीं दृष्टि से यहाँ देखता है वो अच्छी स्थिति है। यहाँ भी अच्छी स्थिति में बैठता है, यहाँ भी सूर्य की स्थिति अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है सूर्य की स्थिति। यहाँ चार नंबर और चंद्रमा के सिंह कर्क राशि में अच्छी बनती है, और आठ नंबर जो है वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, यहाँ पे भी वो फ्रेंड है, तो यहाँ पे भी सूर्य की स्थिति अच्छी बनती है। तो सूर्य आप देखिए कि अगर केंद्रों में और त्रिकोण में बैठा है तो वो आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति बना के बैठा है। इसके बाद मंगल की स्थिति देखेंगे। मंगल से शासन जो हम शासन करते हैं, हमें उच्च अधिकारी मिलती है, उच्च अधिकारी का जो पद मिलता है तो हम उसमें हम शासन करने की क्षमता बढ़ाता है मंगल। तो मंगल की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 नंबर की राशि में लग्न में बैठा है, वो मित्र की राशि में बैठा है, वो अच्छी स्थिति में है। अगर वो 3 नंबर में बैठता है ये भी अच्छी स्थिति है, 6 नंबर में बैठता है, 6 नंबर की राशि में बैठता है वो भी अच्छी स्थिति है। फिर मंगल आपका नीच का हो जाता है आपका मकर राशि में, तो वहाँ नहीं बैठना है। तो यहाँ मंगल जो है कर्क राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ स्थिति इसकी अच्छी नहीं है, तो उसको वो अच्छा नहीं मानेंगे। पर यहाँ सौ राशि में बैठ के मंगल अच्छा फल देता है। तो आप देखिए कि मंगल की स्थिति केंद्र में और यहाँ त्रिकोण में नवम भाव में इसकी अच्छी स्थिति है, तो ये आप देख लीजिए अपनी कुंडली में। तो मंगल भी आपका स्ट्रांग हो गया। 30 जातक के लिए मंगल की स्ट्रांग पोजिशन है। बुध बृहस्पति सूर्य चंद्र की स्थिति अच्छी है। शनि जो सर्विस का कारक है वो अपने फ्रेंड के यहाँ बैठा है, वो भी अच्छी स्थिति बना के बैठा है, तो शनि भी ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह आप कुंडली का आकलन कीजिए कि ये जो भी बताएं वो सौगरी हो, दृष्टि संबंध रखें। अगर बृहस्पति यहाँ से दृष्टि में मंगल पे डालता है वो भी ठीक है, बृहस्पति यहाँ बैठ के यहाँ दृष्टि डालेगा ठीक है, चंद्रमा भी यहाँ बैठ के मंगल पे दृष्टि डालेगा वो भी ठीक है। तो इस दृष्टि संबंध युति चंद्र मंगल की युति यहाँ भी होगी वो भी ठीक मानी जाएगी, बृहस्पति और चंद्र की युति यहाँ भी अच्छी मानी जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो युतियाँ बन रही है वो जितनी अच्छी युति बनती है उतने अच्छे राजयोग बनते हैं, उतने अच्छे आपको इसमें सफलता मिलती है। ये सब ग्रह जो बताएं ये नौकरी या जो है गवर्नमेंट जॉब दिलाने में योग कारक रहते हैं। और यही स्थिति अगर आप नवांश और दशमांश कुंडली में भी देखेंगे तो आपको इस जो जिस तरह से हमने यहाँ लग्न दशम भाव उनके स्वामी और बाकी ग्रहों की स्थिति देखी है, अगर यही स्थिति आपकी अगर नवांश दशमांश में भी अच्छी है तो आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा, ये कुंडली और बलवान हो जाएगी। और वो ग्रह और सब जो हमने बातें बताई हैं वो सब का विवरण वहाँ देखने पे भी है। अगर वहाँ भी सब अच्छे पोजिशन में है तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी, और ऊंचाइयों पे जाएंगे, उच्च अधिकारी बनेंगे, अच्छी शासक बनेंगे आप। इस तरह से आप देख सकते हैं
तो हमने देखा कि लग्न भाव, लग्नेश, दशम भाव, दशमेश, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शनि, इन सब की स्थितियां देखिए। छठे भाव से कंपटीशन देखते हैं वो देखिए। ये 2, 6, 10 का जो काम है, जो त्रिकोण बनता है, ये नौकरी के लिए होता है। यहाँ से नौकरी जो सेवा देते हैं वो यहाँ से देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं। तो छठा भाव भी अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में। यहाँ भी छठे भाव का स्वामी सूर्य बनता है, तो वो अच्छी पोजीशन में है। तो इस तरह से आप भी अपने कुंडली में विश्लेषण में देख सकते हैं कि ये सब ग्रह, अगर जिस तरह से हमने बताया, आप अपना विश्लेषण करके देखिए और ये जानिए कि इस तरह के संबंध जो प्रभाव बने, दृष्टि संबंध, युति, केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हैं वो देखा है। जैसे ये त्रिकोण का मालिक आपका केंद्र में बैठ गया, यहाँ भी देखो त्रिकोण का मालिक चंद्रमा केंद्र में बैठा है, ये अच्छे योग बनते हैं और ये सब आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में सहयोग करते हैं। तो जब भी इनकी दशा, अंतर दशा चलती है या सब इनके गोचर में इनके प्रभाव अच्छे आते हैं ग्रहों के, तो आपको जॉब मिलता है। अगर यही जो लग्नेश, दशम भाव और बाकी के जो ग्रह छठे, आठवें, बारहवें में बैठ जाते हैं तथा वो अपने नीच राशि में बैठते हैं, पाप प्रभाव में बैठते हैं, तो वो आपको बाधाएं उत्पन्न करेंगे और आपको ये जॉब प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो इस तरह से अभी कुंडली विश्लेषण किया, तो आप देखिए कि छठे, आठवें, बारह भाव जो हैं उसमें ये जो योग कारक ग्रह जो हमने बताए हैं, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, ये नहीं बैठना चाहिए। उन पर पाप ग्रहों का, राहु केतु का प्रभाव नहीं आना चाहिए। जितने प्रभाव आएगा उतने बाधाएं उत्पन्न होती है। जितने अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव ग्रहों पर रहते हैं, शुभ युति बनती है, वो अच्छा कुंडली को बलवान करते हैं और आपको ये जॉब दिलाने में, गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी दशा, अंतर दशा, गोचर की स्थिति बनने पर आपको जरूर प्राप्त होगी। इस तरह से आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और जान सकते हैं आप स्वयं कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगा या नहीं। मैं ऐश्वर राजा रौसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर 9893234239 है। अगर आप टेलीफोन से परामर्श चाहते हैं तो आप मामली दक्षिण देके परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो कृपा कर मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए तथा साथ साथ अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए, उनको भी शेयर कीजिए और या लाइक कीजिए। इस तरह आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।